स्किल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? सॉफ्ट स्किल्स को समझेंगे सबसे पहले कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या चीज है और ये क्यों जरूरी है। हम किसी व्यक्ति में सबसे पहले क्या देखते हैं? जब हमसे कोई अनजान व्यक्ति बात करता है तो हम कैसे उसको एनालाइज करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये कैसा है, और उसके चेहरे की सबसे पहले ये दिखता है, फिर उसके बाद में उसने क्या पहना है, कैसे बैठा है, ये सब चीजें बाद में दिखती है, मगर सबसे पहले उसका बोलने का तरीका हमें समझ में आता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को जो किसी व्यक्ति का व्यवहार है, वो व्यवहार वो कैसे करता है, वही सॉफ्ट स्किल्स कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज है स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस किस बला का नाम और कॉन्फ्लिक्ट किस बला का नाम? कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी बात ठीक करने का, स्ट्रेस मतलब लिखा है उसमें तनाव और मतभेद। ठीक है ना, स्ट्रेस का मतलब है तनाव और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है मतभेद, वैचारिक मतभेद होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, झगड़ा होता है, और जब झगड़ा होता है, मतभेद होते हैं, तब तनाव होता है। तनाव पहले नहीं आता, बिना किसी वजह के तनाव नहीं आता है। ठीक है, तो हम इन सभी चीजों को आज समझेंगे कि ये सब चीजें होती क्या है। उससे पहले भी हम जानेंगे कि आदत क्या होती है, किसी व्यक्ति की हैबिट का क्या परिणाम होता है। मान लीजिए किसी को बैठे बैठे से खुजाते रहने की आदत है, क्या होगा? उसको एलर्जी है कि नहीं है, लेकिन वो लगा ऐसे खुजाने के लिए, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, तो उसको एक्चुअली में खुजली नहीं हो रही, उसको आदत हो गई है ना। कुछ लोगों की आदत होती है वो बैठे बैठे किसी की बात सुन रहे हैं ना, तो ऐसे 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 अपने हाथ मलते रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, लेकिन ये आदत है। कुछ लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, हम सब लोगों को घर पर डांट पड़ती है ना, बैठे बैठे पैर हिलाना चाहिए, पैर नहीं हिलाना चाहिए, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, कोई है तो बैठा है कुर्सी में, चाहे वो कितने बड़ा व्यक्ति हो, कुर्सी में बैठा है और ऐसे बैठ करके ऐसे बैठ गया, अब क्या लगेगा, अरे भगवान ये कौन महान व्यक्ति आ गया जिसको किसी की चिंता नहीं। कुछ लोग ऐसे पैर करके ऐसे 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 करके जैसे, ठीक है, तो ये जो तरीके हैं, ये जो बदतमीजी है, ये सब बदतमीजी कहलाती है ना, तो ये व्यवहार का हिस्सा होता है। ये क्या है, आदतें हैं, जो आदत बन जाती है हमारी, हम जाने अनजाने में करते रहते हैं। आदत एक बार बन गई तो वो अनजाने में चलती रहती है, फिर हमको पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आदत या हैबिट।